आपको? क्यों, किस चीज के? ब्रेड के लिए आप दे देना, ब्रेड के लिए पैसे दे दे इसको। गाइस हमारी गाय घट चुकी है, अभी तो सिर्फ सुबह के 8:30 हो रहे हैं, और बच्चों के लिए ना अंडा ब्रेड दे दूंगी, क्या हो गया, भूख लग रही होगी बच्चों को। हाँ हाँ, अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप सब? ईद का दिन है पहला, बहुत काम है, बहुत लंबा व्लॉग है, पर देख लेना कोई बात नहीं। ये मैं अपने बच्चों के लिए अंडा बना रही थी, और जो कसाई आए हुए थे सारे, उन सब के लिए मैं चाय बना रही थी। मिलावट मत बोलना, मैं पत्ती बहुत ज़्यादा डालती हूँ, कोई बात नहीं, पानी ज़्यादा दूध कम, नहीं हम इसी तरह की चाय पीते हैं, ऑल पर्स वैसे ही बहुत थिक दूध होता है, तो इस वजह से हम ऐसे बनाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं व्लॉग में वॉइस ओवर भी करूँगी, क्योंकि जो है ना सारी चीज़ें मैं सुना नहीं सकती, पीछे गाने चल रहे थे, कॉपीराइट क्लेम हो जाता है। सब काम करते ही आदमी कुछ नहीं करते, सब घिन आती है खून से, कुछ चढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे ड्राइंग रूम में, देख नीचे उतरो टकले। यहाँ पर मैं कलेजी बना रही हूँ, कलेजी ज़ाहिर है सबसे पहले आ जाती है, तो आप कलेजी बनाते हो सबसे पहले, तो यहाँ मैं कलेजी बना रही हूँ। रेसिपी नहीं डाल सकती सारी चीज़ों की, लेकिन बस जो जो है वो दिखा दूँगी। ये दोनों हमेशा की तरह जलील होते हुए एक जा रहा है उधर, एक जा रहा है उधर। अच्छा, यहाँ पर ना शाम हो गई थी, दोपहर में मैं सब खाना वाना बना के उसके बाद कलेजी सॉरी गोश्त बांटने के लिए हम लोग चले गए थे। अम्मी के घर भी जाना था, रिश्तेदारों के घर भी जाना था, तो उसके बाद फिर मैं आके थोड़ी देर लेट गई थी, और फिर मैंने शाम में उठ के ये थोड़ी सी चाय के साथ ना बोटियाँ बनाई, चटखारे वाली बोटी जो होती है बेसिकली, तो वो मैंने बनाई है, वो मेरे ससुर को बहुत पसंद है, मतलब मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी तो उनको अच्छी लगी, और ये मेरी अम्मी मतलब बहुत ही बनाती हैं, ये ऐसा है गो टू खाना, जब हमें कुछ समझ नहीं आता हम ये बनाते हैं और खा लेते हैं। और ये मैंने जो है ना पता नहीं क्या क्या मैंने यार एक तो ये मुर्गा चुप नहीं हो रहा, ये मैंने क्या क्या गैजेट्स लिए थे, काम आते हैं, मतलब मेरी नंद भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करती है, और मैंने भी ये लिया था, पर पता नहीं ये कभी चलता है कभी नहीं चलता, चीज़ें अटक जाती है तो नहीं चलता, तो मैं इसको हिला हिला के यूज़ करी थी। मैंने सारी प्याज वगैरह भी इसी से काटी, और जो हरा मसाला होता है वो भी मैं इसी से काट रही थी। ये होता है कि ना फिर चीज़ें जल्दी बन जाती है, मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है एक वक्त पे, मतलब हम लोग फर्स्ट डे सब कुछ बनाते हैं सब कुछ। बस पहला साल ऐसा था जिसमें हमने बारबेक्यू नहीं की, क्योंकि हमारा इरादा सेकंड डे का है, वरना हम लोग फर्स्ट डे बारबेक्यू भी कर लेते हैं, कबाब भी बना लेते हैं, हर चीज़ हम फर्स्ट डे ही करते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने वो जो चटखारे वाली बोटी बनाई थी वो भी तैयार है, और वो मैं इस तरह सजा के लेके जा रही हूँ, जिससे मैं बहुत बड़ी शेफ़ हूँ। यहाँ जो है मेरा कीमा आ गया है, तो उसमें मैंने जो है ना सारे मसाले मिला दिए, तो इससे मैं अब बनाऊँगी चपली कबाब, ठीक है, और आधा मैंने कीमा रख दिया है, उससे मैं कुछ और बनाऊँगी। मैं कोशिश कर रही थी कि चपली कबाब का जो मसाला है वो भी मैं इसमें पीस लूँ बारीक बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि वो पिसा ही नहीं, पता नहीं उसको क्या हो गया, वो पिसा ही नहीं बिल्कुल। मैंने कहा ना वो कभी कभी उसमें पता नहीं कुछ फंस जाता है, तो फिर वो चलना ही नहीं चाहता, मेरी बेइज्जती हो गई वीडियो में, तो वो चला ही नहीं। तो फिर मैंने जो है अपने ससुर से कहा कि जो है ना आप एक काम करें, बड़ा वाला जो चॉपर है वो निकाल लें और उसमें कोशिश करें, मैं उसमें बना लेती हूँ। ज़्यादातर लोगों के घरों में ये होता है, पहले दिन बस वो कलेजी बना लेते हैं या बिरयानी या गोश्त बना लेते हैं और बस ख़त्म, लेकिन हमारे घर में जो है ना शुरू से ही ऐसा हो रहा है, मतलब मेरी शादी को 5 साल हो गए, और 5 सालों में मतलब ऐसा ही होता है कि पहले दिन ही हर चीज़ बनती है, मज़ा आता है, ईद का पता ही इस चीज़ से चलता है, थकन हो जाती है, लेकिन क्या है 3 दिन ही होते हैं ईद के, फिर उसके बाद तो खैर आप थकन उतार ही सकते हो, आम रूटीन में वैसे भी इतना कोई ख़ास तो काम होता नहीं है, हम मेरे बच्चे हैं वो बहुत थका देते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ख़ास काम नहीं होता। ये मेरे ससुर ने जो है कीमा और मसाला डाल दिया है, और अब इन्होंने अच्छे से जो है ना इसको किया है। Thank you.
खैर इसमें मैंने जो है ना यार मेरे ग्लव्स पता नहीं कहाँ चले गए। सबकी अम्मी यहाँ ग्लव्स पहन के नहीं बनाती होगी खाना, तो कोई भी मुझे जज मत करना यार कि तुम ग्लव्स पहन के नहीं बना रही। मेरे ग्लव्स पता नहीं मैंने ऑर्डर करके मंगवाए थे, अब पता नहीं वो पैकेट कहाँ चला गया। हर घर में होता है कि कोई तो होता है जो कच्चा गोश्त खा के ट्राई करता है कि यार इसका टेस्ट कैसा है। हमारे घर में भी एक ऐसा बंदा, खैर मैंने उसको चखाया तो उसने कहा भाई कुछ चीज़ें कम है। वो इतना स्पाइसी खाता है, इतना स्पाइसी खाता है, मतलब सुबह सुबह जब फ़ौरन ही गोश्त कट कर आया 8-9 बजे के टाइम, मैंने ना चटखारे वाली बोटी बनाई, यकीन माने वो इस कदर रो रहा था, लेकिन उसको फिर भी वो बोटी खानी थी कि उसको पसंद है। हम सब रो रहे थे तकरीबन, लेकिन हमें मज़ा आया खा के। इतना अच्छा सॉफ्ट सा ये बन गया था, तो मैंने जो है जल्दी जल्दी इसको अच्छे से मिक्स किया और फिर मैंने इसको साइड में रख दिया। और मैं इसको कोशिश कर रही थी मैं इसको इस तरह बनाऊं, लेकिन मेरी कोशिश बिल्कुल ही नाकामयाब हो गई, क्योंकि ये इतना ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से मैंने क्रीम डाल के ना गलती कर दी। क्रीम की वजह से ये सही से जो है ना बाइंडिंग ही नहीं हो रही थी इसकी, तो मैंने कहा यार चलो कोई और एक्सपेरिमेंट करते हैं। और मैंने टिकटॉक पर देखा था तो मैंने कहा लाओ यार ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्या पता मैं कामयाब हो जाऊँ। और गाइस गेस व्हाट, मैं हो गई कामयाब। मैंने बहुत अच्छे से इसको बना लिया। इतना सारा नहीं असद, इतना सा बस कच्चा गोश्त खा रहा है बाबू। सही है फीका, नमक भी डालेगा मसाला, नहीं मसाला नहीं डालेगा फीका और खत्म हो जाएगा। तुम अपने जाके के लिए आपसे नहीं बताओ, वैसे बताओ कि सब इवेंचुअल के साथ से खा के और डाल दो थोड़ा सा वो चीज बताओ जो बासा। 2000 years later. अच्छा वो तो मेरा जो है सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था, इतना लंबा वो प्रोसेस था कसम से। लेकिन खैर बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ आपको कुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत टाइम लेती है। अब आती है चपली कबाब की बारी, तो जो है मैंने चपली कबाब भी बनाना जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो है रात के खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा यार जल्दी जल्दी कर लूँ ताकि सब जो है वेट कर रहे हैं और ये जल्दी जल्दी से हो जाए। अच्छा मेरे आधे से ज़्यादा कबाब बन के रेडी हो गए थे, पर मैंने बहुत सारे बनाए थे कबाब, क्योंकि जो है मुझे कुछ कबाब अपने मतलब किसी के लिए भेजने भी थे, तो वहाँ पे भी भेजने थे, घर में भी सब। गाइस फिल्टर की वजह से मेरा पसीना छुप चुका है। पीछे म्यूज़िक चल रहा था इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बहुत गर्मी थी यार इसलिए अपनी वीडियो नहीं बनाई। इतना टाइम हो गया फिर भी हम किचन में, मेरा मुँह कितना सूजा हुआ लग रहा है यार। मैं थक चुकी थी जाग जाग के और काम कर करके, लेकिन मज़ा आता है यार ईद पर, बहुत मज़ा आता है जब खा के सब एंड में आपकी तारीफ़ करते हैं ना, सारी मेहनत वसूल हो जाती है आपकी। ये मेरा कैमरा पता नहीं क्यों ब्लर हो गया, मैंने शायद पानी वानी में रख दिया था इसको। अच्छा अब मेरी ये सारी चीज़ें तैयार थी, बस मुझे ना चपली कबाब के बाद इसकी बारी थी। मेरे चपली कबाब अभी भी नहीं बने क्योंकि वो बहुत सारे थे, बहुत सारे, 2 घंटे लगे ये चपली कबाब फ्राई करने में। यार ये बड़े ज़बरदस्त गैजेट से सबके पास होने चाहिए, फ़ौरन फ़ौरन आप कचरा फेंक दो, जिस तरफ आप खड़े हुए हो अपने साथ साथ इसको लेके चले जाओ। फाइनली मैं इसको साइड में रख रही हूँ, ये डन हो गए हैं मेरे, और इसको मैं ले आई मैदान में। मैंने बोला चल भाई अब तेरी बारी, अब तू आ जा, अब तुझे मैं फ्राई करती हूँ इस गर्मी में। खैर फिर मैं प्लेटिंग करने लग गई। खाना बनाने से ज़्यादा मुझे प्लेटिंग करने का शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है, प्लेटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद मैंने जल्दी से उसको प्लेटिंग की
मैं यार जो जो वीडियो बना सकती हूँ यार, आप लोग देख सकते हो इतना काम है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो बना लूँ। ये पता नहीं इनकी शक्लें इतनी आड़ी टेढ़ी क्यों लग रही है, लेकिन कसम से ये बहुत अच्छे थे खाने में, शक्ल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन कोई बात नहीं, खाने में तो अच्छे थे ना। अब मैं इसकी भी प्लेटिंग करी थी, मैं हर चीज़ पता नहीं क्यों हाथ से करने लग जाती हूँ, जबकि सामने ही जो है ना है स्पून, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी अम्मियों को आदत होती होगी। देखना कोई भी अम्मियाँ है ना, अम्मियाँ इतने उसमें शशकों में नहीं पकाती खाने, बस जल्दी जल्दी पकाती हैं जैसे पक जाए। खैर फिर मैं चीज़ें जमा करने लगी कि मैं इसमें क्या क्या डालूँ, कैसे मैं इसको खूबसूरत बना सकती हूँ। अब आप लोग देखें मैं इसको क्या क्या करती हूँ, सारी चीज़ों को मैं प्लेटिंग करी थी जल्दी जल्दी। फाइनली यहाँ दस्तखान लग चुका है, सब अपने अपने कैमरे में वीडियो बना रहे हैं। सारी चीज़ें नहीं रखी, कलेजी वलेजी गोश्त वगैरह हमने कुछ भी नहीं रखा दस्तखान पे, बस जो रात को फ्रेशली तैयार हुआ था बस हमने वही रखा दस्तखान पर, ताकि जो है इतना कंफ्यूजिंग ना हो। कबाब पुलाव चटखारे बोटी और ये क्या है गोला कबाब, जिसमें मैंने क्रीम वगैरह डाली थी उस वक्त किचन में, मुझे दिख नहीं रहे थे कि प्याज और खीरे, तो मैंने दस्तखान पर ला के डाल दिए थे। तो यहाँ सब अपना अपना खाना खा रहे थे, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा गुजरा ईद का दिन। बस इसी तरह हमेशा हमारे घर में सब खुश रहे, इसी तरह एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे। शुक्रिया पूरा पूरा व्लॉग देखने के लिए, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बाय बाय, टेक केयर।